खामोश होकर कर्म करती रहिए। जब दुआएं बोलती हैं तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। आज 18 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। रिवाइज है 31/12/98 मधुबन। दिसंबर मास की आखिरी दिन की 98 सन की अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजय अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नव जीवन और नववर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे। मैं सारटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं, इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कहते भी हैं बच्चे तुम्हारा एक कदम और मेरे 100 कदम, तुम एक कदम बढ़ो मैं 100 कदम बढ़ूंगा। हिम्मत ए मर्दा मदद ए बाप। कभी भी स्वाप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्वशक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है कि है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई बड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्श करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे में उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा, आत्मिक नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार हैं। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, क्योंकि भगवान की धरनी भारत है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है।
सिर्फ हिम्मत को इमर्स करो, हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिवान हो। ऐसे होना, सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। कभी भी हिम्मत हीन या दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहते, दिल तख्त नशीन बच्चे वो हैं जो हिम्मतवान हैं, और तुम तो हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अंदर मन से सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अब फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्स करो, और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा, निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसलिए 99 में अपना नशा सदा इमर्स रखना, तो अब भूल हो जाएंगे, ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे, मुक्ति वर्षा मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रूह रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में निश्चय में नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं, एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना बाप का परिचय हर रोज किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई आत्मा को देना है, हर रोज देना है। इसमें किसी भी प्रकार का शर्म या किसी भी प्रकार का अंतर मन में यह नहीं सोचना है कि कोई क्या सोचेगा।
सोचने वाले हम हैं, बताने वाले हम हैं, बाप का परिचय देना हमारा कर्तव्य है। बाप ने हमें चुना है तो ये हमारा भाग्य है, और इस भाग्य को बनाकर औरों का भाग्य बनाना ये भी बच्चों का ही कार्य है। बाबा घर घर जाकर के पढ़ाई नहीं पढ़ाते, इसलिए बाप को ब्रह्मा बाप को सहस्त्र बहु कहा है, और सहस्त्र बहु अर्थात किसी के इस तरह से हजारों हाथ नहीं होते, बल्कि जो परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाप के द्वारा बच्चों को एडॉप्ट किया है, वो बच्चे ही बाबा की सेवा के निमित्त बने। और ब्रह्मा बाप के जो बच्चे बने, शिव बाप ने तो उन्हें अडॉप्ट किया लेकिन इनके द्वारा किया, तो इनके जो अनेक अनेक बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, जो सेवाधारी बच्चे हैं, जो रूहानी सेना रूहानी बाप की सेवा करते हैं, खुदाई खिदमत गार बच्चों को सहस्त्र बहु कहा। तो आपको क्या करना है, सभी को परिचय देना है, दिल खुश मिठाई बांटते रहना, बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं। तो दिल खुश मिठाई बांटना, कोई आपकी बात आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना, कह दिया बाबा ने। आपने बांटे, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप के पास जमा हो गया है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपको इन नीचे वालों से, धरती वालों से मान सम्मान मान अपमान का किसी भी प्रकार का मन में ख्याल नहीं रखना है। जो भी है, जैसा भी है, आपके पास जो उससे मिला है वो आपको देते रहना है, फिर चाहे आपको नीचे वाले दें या ना दें, लेकिन ऊपर वाले की डायरी में आपका हिसाब, आपका कर्म, आपका जो भी किया है वो सब जमा होने का और देने का भी कार्य उसका ही है, ना कि जो लेते हैं उसका कार्य है। देने वाला वो है, लेने वाले सब हैं। तो आपका तो संबंध देने वाले से है, जिसको दुनिया मानती है, जिसको दुनिया जिससे दुनिया मांगती है वो आपका है। तो फिर आपको दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वाले से मांगना, दुनिया वाले से मिलना है। तो इस तरह मांगना भी नहीं है, बाबा कहते हैं तुम तो मेरे वारिस बच्चे हो, तो लेना है तुमको, है ना। अच्छा, तो किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या के कारण अगर नहीं स्वीकार करते तो दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी चार्ट बाबा के पास में जो भी बना वो जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया, बेवश आत्मा है ना, परवश आत्मा है। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना, आज्ञाकारी बनना है ना, यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हो, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी दायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना। एक है साथ में चलना दुल्हन बनकर, दूसरा है पीछे बाराती बनकर, या फिर जबरदस्ती पिछाड़ी में चलना जाना। सबको साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। कब जब तब इधर बैठे बैठे जाने का समय आ गया तो जा सकेंगे, कमाई है तो इस तरह एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं, और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए आप ऊपर उड़ जाओ, तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना,
कोई हाथ खाली ना जाए, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत हैं, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं करना, नहीं बनना, देते जाना, फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। दुआएं दुआएं दुआएं, शुभ चिंतन शुभ चिंतक बन हर किसी को, अपने मनसा सेवा के द्वारा शक्ति सहयोग शांति प्रेम का गिफ्ट देते रहो। तो किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से। यदि कोई गुण व शक्ति मर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना, वह कौन सी है? शुभ भावना और शुभ कामना की। हर किसी के प्रति कामना, अर्थात परमात्मा से जब हम किसी के लिए अर्जी रखते हैं तो शुभ कामना होनी चाहिए मन में, किसी के प्रति भी कोई गलत भावना नहीं रखना है, है ना, अशुभ भावना नहीं रखना है। तो इस तरह से शुभ भावना और शुभ कामना, मन में भी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए, और किसी से कामनाएं करनी है तो शुभ कामनाएं। तो मन की जो हम किसी से, जैसे परमात्मा से कहते हैं ना, हमारा यह कार्य पूरा हो जाए, तो वो कहते हैं कामना, और जो शुभ भावना होती है जो हमारे मन में चलता रहता है, तो शुभ है या अशुभ है, है ना, व्यर्थ है समर्थ है कैसी है, तो सबके प्रति रखना। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकीलधा भाई या बहन है, कल पहले बिछड़ा अब मिला। सिकीलधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी, क्योंकि हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई आत्मा, तो इस भाई बहन की भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, है ना। यदि योग में भी कोई आता है, किसी को सोचते हो, चाहे फिर वो बिजनेस हो, धंधा हो, या फिर अपने बच्चे हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध संपर्क में, योग में बैठने के टाइम आत्मा याद आती है, मनुष्य व्यक्ति याद आता है, तो उसको भी परमात्मा को सौंप दो, और बाबा को दे दोगे उसकी चिंता, उसका सारा समस्या, तो आप जो हैं परमात्मा की याद में सीधे जुड़ सकेंगे, नहीं तो बीच में वो सब आड़े आएंगे, तो उन आड़े आने वाली आत्माओं का भी पूरा जिम्मा बाप को दे देने का है, तो आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ करने वाला करावन हार है ना, करण करावन हार है, तो उसको दे देने का, आप अपने पास रख के भी फायदा नहीं है। तो इस तरह किसी भी प्रकार का कोई भी हो, उड़ती कला में चले जाओ, और बाबा कहते हैं अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी, यदि आप सोचेंगे कि वो सिकीलधा बच्चा है ना, तो इस भाई बहन की का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं है, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते है ना, चाहे अशुभ बोल आपके देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व परिवर्तक हो, आपका धंधा क्या है, विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, और उसके उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई दे, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर, आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट दें। अब यहाँ एग्जाम्पल बैठता है कि हमारे मोदी भाई को, पीएम प्राइम मिनिस्टर को, जब अगेंस्ट पार्टी वालों ने एक चौकीदार का शब्द कहो, गाली कहो, बुरा कहो, तो जब उनको चौकीदार कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही इस देश का चौकीदार हूँ, तो उन्होंने उसको क्या बना लिया, दुआ बना लिया अपने लिए, है ना, एक अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया उसी शब्द को। तो इस तरह से कोई कुछ भी कहे, आपको नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव पर परिवर्तन करा, हर
एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। आज की दुनिया में आपके संबंध संपर्क में बचपन से लेकर जब से आपको याद है तब से अब तक यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपके सामने कुछ हुआ है जो आपको पसंद नहीं, लेकिन वो सब कैसे न कैसे सहयोगी तो परमात्मा के पास तक पहुंचाने के बने ना माता पिता सबसे बड़े, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया तो आप परमात्मा से मिल पाए। जिस भी परिवार में भी हैं ना कुछ मुश्किलें आई हैं, दुख आया है, दुख देने वाला सा वो था, लेकिन उसके वजह से तो आपके जीवन में परमात्मा के साइन हुए। दुख नहीं तो परमात्मा को याद कौन करता है, सुख है तो सुख की कामना थोड़ी करेंगे, दुख है तब सुख की कामना करेंगे ना। तो ये सब बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में करके बदली करके आपको धारण करना है। तो इस तरह से गिफ्ट देंगे, शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। देखो बाबा यहाँ कितना गुहार आज समझा रहे हैं कि आप मनसा सेवा करते रहेंगे, शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करते रहेंगे तो भल आप ऐसे ना देखो स्थूल में देते हुए नहीं देखोगे, लेकिन भविष्य में उनको कहाँ ले जाएंगे उन आत्माओं को, है ना, उन आत्माओं को सतयुग त्रेता में ले जाएंगे। तो बाबा का राज्य अधिकारी जो बच्चे बन रहे हैं ना, जो उससे वर्षा मिल रहा है परमात्मा से, वो वर्षे के अधिकारी बनेंगे तो राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी, चाहे फिर वो मर्तव्य में कुछ भी हो। तो यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, उस जगह जाकर नहीं बनना, यहाँ ही सबको बनना बनाना। तो इसलिए हिसाब नहीं करना इसने यह किया इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, कितना शक्तिशाली वर्ड्स हैं। कुछ थैंक यू सहयोग देता है कोई, आप सहयोग करते तो आपको शुक्रिया कहा जाता है, तो कितना पावरफुल वो शुक्रिया वर्ड है, आपको कितना मान मिलता है उस शुक्रिया में, आप भगवान को शुक्रिया हर पल करेंगे तो आपको एक तरह से पुरुषार्थ ही करना होता है। तो बाबा कहते ग्रीटिंग्स क्या देंगे, है ना, मुबारक हो। तो उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारकबाद दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, ना साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने यह भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है,
उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हो, हाँ समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का पोता मेल चेक करो, हिसाब किताब करो। जैसे एक बिजनेसमैन शाम को जब पूरा अपना खाता खत्म करता है, लेन देन का हिसाब करता है, कोई चूक तो नहीं हुई, किसी को ज्यादा किसी को कम तो नहीं हुआ, तो फिर ताकि क्यों करा जाता है, ताकि अगले दिन उस पर ध्यान दिया जाए और अगले दिन वो दोबारा गलती ना हो। तो इसी तरह से अपने पूरे 24 आवर्स का 24 घंटों में सुबह से शाम तक जो भी आपने किया वो सब चेक करो और पोता मेल चेक करो, और फिर दूसरे दिन उस गलती को रिपीट ना करो। तो कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। वेस्ट और बेस्ट, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुणों शक्तियों की से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी, औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, और मेहनत को छोड़ना है, मेहनत नहीं करना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर जो कमाया रखा हुआ है उसी से आपका जीवन चल जाएगा। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट भी अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, यह सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं आत्मा जन्म से विजयी हूँ, जन्म से बहुत अधिक भाग्यशाली हूँ, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, मैं एकदम स्थिर हूँ, अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने वाली, चाहे वैभव, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, कोई भी सामने आए, लेकिन मेरी स्थिति सदा अचल अटल अडोल स्थिति होती है। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा धर्म है, शक्ति स्वरूप हूँ, शक्ति मेरा जो आत्मा का स्वरूप है। तो इस तरह से मैं विजयी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी मस्त रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर वन जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है, इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर वन का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है।
तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से वाचा से सब रूप से बाप दादा पद्मा पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं, स्वीकार करना है। सब रूप से बाप दादा मुबारक दे रहे। अभी एक सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। मन से सब कुछ छोड़ दो, पुराने संस्कार, कमी कमजोरी, किसी को दुख देने वाले संस्कार सब कुछ छोड़ना है। माफ करना, माफी देना, ये भी बहुत बड़ा कार्य कर्म है। तो एक सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को ही मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर से तो खूब भरपूर दिखते हैं, दुनिया में देखो कितना भरपूरता है, ऐसा लगता है मानो हमसे उनसे ज्यादा खुशी और उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, जबकि वह सब बाहर का शो है। तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो, उनको अंदर से भर तो करना है। बाहर से तो ये दुनिया भरी है लेकिन अंदर एकदम खोखली है। स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइटर स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति शक्ति और पवित्रता की साकाश देने की सेवा करें। ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति शक्ति और पवित्रता का सकाश देने की सेवा करें। अपने आप को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट कर लें, उसकी सारी शक्तियों को अपने में समाहित करें। मैं आत्मा शांति के सागर की शांति की लहरों में डूबती जा रही हूँ, मैं शांत हो गई हूँ और यही शांति और शक्ति और पवित्रता की किरणें मुझसे निकल कर आसपास पूरी दुनिया में फैल रही हैं और हर एक अशांत आत्मा को, हर एक निर्बल आत्मा को, हर एक विकारी आत्मा को पवित्रता शक्ति शांति सुख से भरपूर कर रही है। इस तरह का आप यदि बैठकर नहीं तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, ये मनसा सेवा है। ये आप अपने आप को उससे कनेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।